रविवार को कैंप दो बैकुंठ धाम स्थित अम्बेडकर भवन में दुर्ग जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के 100 से अधिक प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप के दौरान कुछ बच्चों को चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई नगर CSP सत्य प्रकाश तिवारी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे वार्ड 30 प्रगति नगर में कराटे का प्रशिक्षण सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मोनू साहू के द्वारा करवाया जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया, जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता, जिसमें बच्चे सिलेक्शन होके प्रदेश लेवल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और देश का, प्रदेश का और हमारे भिलाई नगर का नाम रोशन करेंगे। देखिए, बैकुंठ धाम कैंप दो में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ताइक्वांडो का जो कंपटीशन है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 100 के आसपास प्रतिभागी यहाँ पे जैसा मुझे बताया गया उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसमें बहुत सारे बच्चे अभी आगे स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हुए हैं, जो नेशनल लेवल पे भी जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे। बच्चों को और आयोजक मंडल के सदस्यों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। इसी तरह जो भी आयोजन यहाँ पर इस टाइप का है, खेल प्रतिभाओं के आगे आने का जो इन्होंने अवसर दिया है वो उनको मिलता रहे और ऐसा आयोजन होता रहे, ताकि बच्चों को, हमारे जो इस्पात नगरी के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका हमेशा मिलता रहे। सबको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं।